हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं सोलापुर में स्थित स्मृति वन उद्यान। यहाँ पर आने के लिए इसका लोकेशन है विजापुर रोड से जगदीश मंगल कार्यालय, और वहाँ से जो साइड में जो इंटरनल रोड लगता है उसी रोड से हमें सीधा अंदर आना है, और यहाँ आने के बाद ठीक सामने ही आपको स्मृति वन उद्यान दिखेगा। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे और एक रोड है जो कि यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट नहीं है, ये सिर्फ वॉकिंग के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलापुर कर जो है वो डेली यहाँ पर आकर इस नेचुरली क्लाइमेट में इसका आनंद लेते हैं वॉकिंग का। तो मेरे पीछे आप वो भी देख सकते हैं। और ये तो फिलहाल दोस्तों स्मृति वन उद्यान का बाहर का व्यू है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्मृति वन उद्यान। स्मृति वन उद्यान के अभी हम अंदर जाएंगे, तो चलिए दोस्तों अंदर का व्यू देखते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको आना है तो सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 5 से 6 बजे तक आप आ सकते हैं। तो ये है एंट्रेंस। यहाँ से दो रूट जो है वो जाते हैं। एक रूट है सीधा स्ट्रेट गेट के ठीक सामने ही जो है वो स्ट्रेट रोड जाता है, और एक है वो जो है वो राइट हैंड साइड। तो पहले अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड को, फिर बाद में हम ये वाले रोड पे जाएंगे। यहाँ पे दिया है क्या क्या नहीं करना है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नेचर को सेफ रखना है तो आपको ये सारी चीज़ें भी, ये सारे रूल्स भी उनके फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग ऐसे 14 उपवन बनाए गए हैं, जो उपवन यहाँ पर अभी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अथर्व वन देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग 14 उपवन बनाए गए हैं। मदन वन, दोस्तों यहाँ पर हर साल फॉरेन से 65 वाटर बर्ड्स और 14 रान बदक यहाँ पर फॉरेन से आते हैं और हमारे सोलापुर के नेचर का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है इसके बारे में ज़्यादा करके लोगों को मालूम नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से पेड़ ही पेड़ है। और एक बात है दोस्तों मुझे आपके साथ शेयर करना है, जो कि स्मृति वन का मतलब होता है आप अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति के याद में या फिर प्रिय व्यक्ति के नाम से यहाँ पर आप पेड़ लगा सकते हैं, उसका संगोपन कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर पेड़ लगाने की परमिशन मिल सकती है। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किमिया गार्डन में क्या क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है आंट फोर्ट, ये है आंट फोर्ट। उसके साइड में है पेड़ों का एज कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है दोस्तों, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसके बाद है टर्माइट हिल, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
टर्माइट हिल के बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। फिर अब इसके बाद है हनी बी हाइव, ये पूरी इंफॉर्मेशन है हनी बी हाइव की। फिलहाल ये क्या है, ये आई थिंक किसी एनिमल्स के पंजों के निशान लग रहे हैं मुझे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खुला सभागृह है रामसुख संतों के राम झंडक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। तो चलिए अंदर का व्यू देखते हैं। पेड़ों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग प्रकार के वनस्पति, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स, यहाँ पे वाटर बर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको क्योंकि 65 टाइप्स के वाटर बर्ड्स और 14 टाइप्स के रान बदक यहाँ पे सोलापुर में हर साल फॉरेन से आते हैं। खास करके ये जो आते हैं वो विंटर सीजन में आते हैं। दोस्तों और एक खास बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं तारांगण, जो कि पिछले सालों में हमारे माजी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर उन्होंने विजिट दिया हुआ था और बच्चों के साथ उन्होंने तारों और नक्षत्रों के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं ये उसी टाइम की पिक्चर ली गई है। तो चलिए अभी थोड़ा सा अंदर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सोलापुर कर यहाँ पे डेली वॉकिंग का आनंद लेते हैं इस नेचर में। तो अब हम फिलहाल यहाँ पे बातचीत करेंगे, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। डॉक्टर अशोक प्रहलाद वाघमारे हूँ, मैंने MBBS MD किया है सोलापुर मेडिकल कॉलेज से, और यहाँ मैं सोलापुर में और सांगली में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिला आरोग्य अधिकारी था। वहाँ से भी मैं कुंभारी के मेडिकल कॉलेज में वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके सो सर, अभी आप यहाँ पे डेली आते हैं वॉकिंग के लिए? डेली आते हैं जी। तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है सर? बहुत अच्छा है। जो हम एक्सपीरियंस बोले तो यहाँ अभी ड्राई सीजन है, लेकिन वो सर्दी के सीजन में पेड़ वेड़ बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ ऑक्सीजन बहुत मिलता है, यहाँ एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन कुछ भी नहीं है, अंदर कोई फिल्टर नहीं आता, ये आराम से। ओके, यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स भी होंगे सर? बहुत है, अलग अलग बर्ड है और वो खरगोश भी है, हाँ। मोर है, सब है यहाँ पे। ये जो सर है इनके साथ इनके फ्रेंड्स भी है जो डेली यहाँ पर आते हैं। सर आप डेली आते हैं यहाँ पर? डेली मॉर्निंग रोज घंटा एक घंटा हर घूमते हैं, बगीचे में घूमते हैं और आधा घंटा यहाँ हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। अच्छा, वॉकिंग करते डेली जो नेचर के सानिध्य में आते हैं तो वो हमेशा ही एक्टिव ही रहते हैं। तो दोस्तों आप भी इनसे कुछ सीख ले सकते हैं कि आप डेली वॉकिंग के लिए नेचर के सानिध्य में आके वॉकिंग कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बाकी का व्यू देखने के लिए। तो धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बाहर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक साइन, और दोस्तों अब यहाँ पे जो है वो तीन रूट जाते हैं। पहला वाला है मेरे राइट हैंड साइड, दूसरा वाला है स्ट्रेट, और तीसरा वाला है मेरे लेफ्ट हैंड साइड। तो फिलहाल अब हम पहले देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे तो पूरी जगह पे पेड़ ही पेड़ है।
तो अभी ये वाला रूट था, तो ये रूट का जो व्यूज हमने देखा है वो ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं ये सामने वाला व्यू, सामने वाला जो रूट था वहाँ पे हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं बालोद्यान, यहाँ पे आप देख सकते हैं बालोद्यान का बोर्ड। दोस्तों अभी भी मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो पूरा स्मृति वन उद्यान जो है जिन्होंने बनाया है वो है डॉक्टर वासुदेव रायते, जो कि ये स्मृति वन बनाने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग है। तो अभी हम देखेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मुझे यहाँ पे आने के बाद मालूम हुई है, इसलिए मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर स्मृति उद्यान जो बच्चों के लिए बनाया हुआ है बालोद्यान, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, एक से दस साल के बच्चों के लिए ये गार्डन बनाया है। यहाँ पे है पैगोड़ा, पैगोड़ा मतलब आप यहाँ पे रेस्ट करके थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैक्टस गार्डन भी है दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल उसका गेट बंद है। यहाँ पे निखार बर्ड जिसका कॉमन नेम है स्मॉल मिनीवेट। तो बहुत सारे बर्ड्स के यहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है। रोप वाटिका और यहाँ लेफ्ट साइड में है इको पार्क, राइट साइड में था बालोद्यान जो अभी हमने देखा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रोप वाटिका में अलग अलग प्रकार के जो रोप लगाए जा रहे हैं या फिर रोप यहाँ पे अभी इनकी प्रोसेस चालू है। ये जो है छोटे छोटे पैकेट, इनमें मिट्टी डालकर, उनमें बीज डालकर छोटे छोटे जो रोप है वो बनाकर फिर बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनको बाहर निकाल कर ज़मीन में लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोप वाटी का व्यू। दोस्तों मैंने सुना था पिछले सालों में इसी स्मृति वन उद्यान में सीड्स बॉल का प्रशिक्षण भी यहाँ पे रखा गया था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर इस सीड्स बॉल से पेड़ उगाने की ये जो एक प्रोसेस थी वो प्रोसेस के लिए ये प्रशिक्षण यहाँ पे रखा गया था। ये सीड्स बॉल बनाने के लिए मिट्टी और गोबर ये दोनों भी इक्वल पोर्शन में मिक्स करके उसमें बीज डालकर
ये छोटे छोटे बॉल बनाकर इसको अलग अलग जगहों पर फेंक देते थे, और उसकी वजह से अलग अलग जगहों पर पेड़ उसी सीजन में जब बारिश वगैरह आती है तो उसी सीजन में ये पेड़ उग जाते थे। ये है पाणस्थल, मतलब पाणस्थल मतलब पक्षियों के लिए जो पानी पीने की जगह है वो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए इतने मेहनत से बना रही हूँ, तो प्लीज आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ये जो जगह बनाई गई है यहाँ से आप पक्षी निरीक्षण कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम ऊपर जाके देखेंगे। यहाँ पे दिया गया देखिए ऊपर पक्षी निरीक्षण लप्पण गृह। मतलब आप यहाँ से अलग अलग पक्षियों का निरीक्षण कर सकते हैं। चलिए बाहर जाएंगे। तो भाई थे विश्रांति। यहाँ पर अलग अलग वाटर बर्ड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये धर्मवीर संभाजी कंबर तालाब का दृश्य है। दोस्तों यहाँ पे भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है पक्षी निरीक्षण गृह, लप्पण गृह, आप देख सकते हैं वहाँ पर। हम राइट साइड चलते हैं। दोस्तों ये जो रूट जाता है ये धर्मवीर संभाजी कंबर तालाब की तरफ जाता है। अब यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं उस कंबर तालाब का व्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है धर्मवीर संभाजी कंबर तालाब का व्यू जो आपको मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। ये तालाब का जो है वो पिछला हिस्सा है। तालाब का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उस तरफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों हमने स्मृति वन उद्यान का पूरा व्यू कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये सामने वाला जो व्यू रोड है वो एंट्री और एग्जिट गेट दोनों भी है उस तरफ। और यहाँ पर यहाँ से हमने बालोद्यान देख कर आए थे हम। फिर यहाँ पे हमने ये रोप वाटिका देखी थी। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों ये वाला रूट, इको पार्क की तरफ हम गए थे। तो ऑलमोस्ट हमने ये स्मृति वन का पूरा व्यू मैंने कैप्चर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं एग्जिट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हवामान केंद्र है, मतलब हवा का रुख कैसे है, दिशा दर्शक है, यहाँ पे वारा गति मापक है और पर्जन्य मापक, मतलब दोस्तों यहाँ पर निसर्ग परिचय केंद्र है। हम चलते हैं नीचे, ये भी देखते हैं। दोस्तों मैंने ये स्मृति वन उद्यान का व्यू पूरा कवर किया हुआ है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।